फ्रेंड्स आई एम योर मैथ्स फैकल्टी फ्रॉम की एल अकादमी टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट होल नंबर्स सो लेट्स फॉर टुडे इन आर लास्ट क्लास वी लर्न अबाउट होल नंबर्स एंड नंबर नाइन इन आर टुडेज क्लास वी विल स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स हेल्प एस टू अंडरस्टैंड नंबर्स मोर मतलब हम प्रॉपर्टीज सीखते हैं तो हमें नंबर्स के बारे में और पता चलता है सो लेट इस्टार्ट एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या हम देखते हैं एडिशन्स और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी कैसी होती है अगर हम दो नंबर्स को प्लस करेंगे सम करेंगे तो क्या हमें हमेशा एक होल नंबर मिलेगा लेट इज़ ऑब्जर्व फर्स्ट ठीक है सेवन प्लस एट इज िफ्टीन फिफ्टीन इज़ अ होल नंबर फ़ाइव प्लस फाइव इज ईज़ ऑल्सो अ होल नंबर जीरो प्लस फाइव इज ईव इट इज़ ऑल्सो अ होल नंबर मतलब क्या जितने भी एग्जाम्पल्स देखे देर आर ऑलवेज होल नंबर्स वेन वी एड टू होल नंबर्स मतलब क्या हैंस वी कैन से सम ऑफ टू होल नंबर्स इज अ होल नंबर दैट इज द कलेक्शन ऑफ अ होल नंबर इज़ क्लोज अंडर एडिशन इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब भी कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स को एडिशन में देखेंगे तो वो हमेशा क्लोज रहेगा होल नंबर में इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी है एडिशन क्या कि एडिशन एक क्लोजर प्रॉपर्टी है आगे हम मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल देखते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन में भी सेम होता है हाँ होता है एग्जाम्पल से समझाती हूँ सेवन इंटू एट इज इक्वल टू फिफ्टी सिक्स फाइव इंटू फाइव इज ट्वेंटी फाइव जीरो इंटू फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो सारे आंसर फिफ्टी सिक्स ट्वेंटी फाइव जीरो सब होल नंबर है मतलब क्या वन वी मल्टीप्लाई टू होल नंबर्स द आंसर इज ऑलवेज अ होल नंबर ये एक प्रॉपर्टी है इसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं

सेवन माइनस एट क्या है एट माइनस सेवन होता तो हम वन बोलते पर सेवन माइनस एट हमें तो पता ही नहीं है क्या होता है तो बस हम नहीं बोल सकते कि वो एक होल नंबर है हमें नहीं पता है वो क्या है ऐसे ही फाइव माइनस फोर एक होल नंबर है वन है लेकिन थ्री माइनस नाइन हमें नहीं पता क्या है तो हम नहीं बोल सकते कि सप्ट्रैक्शन एक क्लोजर प्रॉपर्टी है, है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है आंसर होल नंबर में आए सिमिलरली डिजन भी एक क्लोज़र प्रॉपर्टी नहीं है क्यों नहीं है हम फिर से ऑब्जर्व करके समझते हैं एट डिवाइड बाई फोर इज इक्वल्स टू 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 एक होल नंबर है सेवन डिवाइडेड बाई फाइव क्या ये एक होल नंबर है नहीं सेवन बाई फाइव एक फ्रैक्शन fraction है फ्रैक्शन होल नंबर के अंदर नहीं आते आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन क्या होते हैं ठीक है ट्वेल्व माइनस थ्री फोर एक होल नंबर है लेकिन सिक्स डिवाइडेड बाई फाइव नहीं ये एक होल नंबर नहीं है सो so, हमें समझ आया कि डिवीजन में भी ज़रूरी नहीं है कि आंसर हमेशा होल नंबर में आए हेंस भी प्रूफ कि डिवीजन एक क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है डिवीजन बाय नंबर मीन सप्ट्रैक्टिंग नंबर्स रिपीटेडली मतलब क्या हम एक नंबर को अगर एक सर्टन नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो हम जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं हम बार बार उस नंबर को माइनस करते जा रहे हैं सप्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं रिपीटेडली एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको यहाँ दिख रहा होगा हम एट डिवाइड कर रहे हैं टू से पहले हमने एट में से टू माइनस किया सिक्स आया फिर हम सिक्स में से टू माइनस किया फ़ोर आया फिर हमने फोर में से टू माइनस किया टू आया फिर हमने टू में से टू माइनस किया ज़ीरो आया मतलब क्या हमने चार बार टू को एट में से माइनस किया जब तक ज़ीरो ना आ जाए इसका मतलब क्या हुआ एट डिवाइडेड बाई टू इजिक्वल्स टू फोर क्यों क्योंकि फोर टाइम्स माइनस करना पड़ा अच्छा क्या मैं ये चीज़ ज़ीरो के साथ कर सकती हूँ क्या मैं किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड कर सकती हूँ करके देखते हैं ठीक है मैंने बताया क्या कि मैं जिस नंबर से डिवाइड कर रही हूँ मुझे उससे बार बार माइनस करना है करके देखते हैं मैं टू में से ज़ीरो माइनस करूँगी टू आ जाएगा फिर मैं टू में से ज़ीरो माइनस करूँगी टू आ जाएगा फिर मैं टू में से ज़ीरो माइनस करूँगी टू आ जाएगा मतलब मैं कितनी बार टू में से ज़ीरो माइनस करूँ कि मुझे वापस ज़ीरो मिले मुझे नहीं पता सो वी कैन से दैट इट इज़ नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड मतलब अगर हम किसी भी नंबर को किसी भी होल नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर नॉट डिफाइंड होगा क्योंकि हमें पता ही नहीं है हमें कितनी बार माइनस करना पड़ेगा कि वापस ज़ीरो मिले हमें समझ आ गया क्या क्या पड़ा कि एडिशन और मल्टीप्लीकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी है डिविज़न और सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है और डिविज़न बाय ज़ीरो नॉट डिफाइंड होता है ठीक है अब आते हैं हम कम्यूटेटिविटी पे कम्यूटेटिविटी क्या होती है मतलब असेंबल कर देना रीअसेंबल करना जैसे कि मैं सिखाती हूँ मैंने थ्री प्लस टू किया आंसर फाइव आया पर मैं टू प्लस थ्री भी तो कर सकती थी आंसर तो फाइव ही रहेगा इसे हम कम्यूटेटिविटी कहते हैं ये आती है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ऐसे ही मैं फ़ोर प्लस सिक्स में भी कर सकती हूँ एट प्लस नाइन नाइन प्लस एट सेम है एडिशन में हमेशा यही रूल अप्लाई होगा इट इज़ टू वन एनी टू होल नंबर्स आर एडेड कम्यूटेटिविटी ऑलवेज़ वर्क ठीक है ऐसे ही मैं बढ़ती हूँ मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है जैसे हमने एडिशन को बोला कि वो एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वैसे ही मल्टीप्लीकेशन भी एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कैसे मैंने किया फ़ोर इंटू फाइव या मैं करूँगी फ़ाइव इंटू फोर हमेशा आंसर ट्वेंटी आएगा वी से मल्टीप्लीकेशन इज़ अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर ओके दस हम कंक्लूजन पे आए कि एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इज़ अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर So, to conclude, today we learned about the properties of whole number. Hope you enjoyed today's learning. For any further information or you have any query, kindly go to the following link. Thank you.